वो चूहिया रक्षित की बीवी मिस पीए वो उस रूम में क्यों आई थी और वो सबसे आखिर में बाहर क्यों निकली, कर क्या रही थी वो उस भयानक आग के अंदर। एक आग मैंने लगाई और अब एक आग उस चूहिया ने लगा दी, अरे वो अंदर कर क्या रही थी, हे शैतान। प्रीतम, ये भूत नहीं, ये तो भूत प्रीतमा से भूत नहीं, ये कुछ भूत नहीं, भूत नहीं, ये भूत नहीं। एक नई मुसीबत इस चूजे ने देख लिया, अब इसे रोकना पड़ेगा। कुछ तो गलत हो रहा है, मुझे देख नहीं रहा पर मेरा दिल कह रहा है कहीं कुछ तो बहुत गलत होने वाला है। सब कमरे में चले गए? हाँ सब चले गए, दी शिखर को ले गई और मॉम ने जब देख लिया कि मुझे कोई चोट नहीं लगी है तो फिर मैं तुम्हें लेने आ गया। अंदर आओ, दवाई लगा देता हूँ, जल गया है, जख्म बन जाएगा, चलो अंदर आओ। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ तो बहुत गलत होने वाला है। ये कैसी फीलिंग है, कोई अनहोनी तो क्या हुआ, अंदर नहीं आ रही हो तुम? नहीं। अरे तुम्हारी स्किन जल गई है, मैं दवाई लगा देता हूँ। जरूरत नहीं, आप ही ने कहा था ना कि मैं आपको अपना चेहरा ना दिखाऊं और आपसे दूर रहूं, तो मैं जा रही हूँ। अब ना आपको मेरा चेहरा देखना पड़ेगा ना मुझे आपका। वॉच, तुम आज के लिए मुझे अकेला छोड़कर जा ही रही हो तो हमेशा के लिए क्यों नहीं अकेला छोड़ देती? फिर से मुंह मोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इनफैक्ट हम दोनों के रास्ते ही मुड़ जाएंगे, एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखना पड़ेगा। सॉरी रक्षित साहब, मुझे बार बार लग रहा था कहीं कुछ तो गलत हो रहा है, मुझे लग ही रहा था कि मुझे किसी भी वक्त दिख सकता है और मैं नहीं चाहती कि आप मेरी तीसरी आंख देखे। मुझे कुछ दिख नहीं रहा पर क्यों लग रहा है जैसे कुछ बहुत गलत हो रहा है, कहीं कुछ तो बहुत गलत हो रहा है, कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है? पिशाचनी हूं मैं, तेरी मौत। तू ना बहुत गलत टाइम पे गलत जगह पे था, समझा? अगर गलती की है तो सजा तो मिलेगी,
ना, सजा नहीं, मौत। आवाज नहीं है तो आवाज मत कर, छोड़। उड़ते हुए देखा था ना तूने मुझे, तुझे भी उड़ना है? वो उड़ना है, चल उड़ाती हूँ। बहुत भगाया, बहुत उड़ाया, बहुत घुमाया ना मुझे, घूम ऐसा घुमाती हूँ, ऐसा घुमाती हूँ ना कि तू कहीं घूमने के लायक ही नहीं रह जाएगा, समझा? चल घूम घूम ले, उड़ और उड़, उड़ ना यहाँ से, वहाँ, वहाँ से यहाँ, ले घूम। मुझे नहीं लगता यहाँ कोई है, दूसरी तरफ देखती हूँ। चारों तरफ से घुमा दिया तुझे, अब दिखाती हूँ अपने हाथों अपनी मौत। चल अब तेरा टाइम खत्म, मर। अब तो तू तड़प तड़प के मरेगा और सबको यही लगेगा कि यही कहीं से गिर पड़ के मर गया है तू। तूने बीच में आके मेरा काम चौपट किया था ना, जा, तेरी पूरी जिंदगी चौपट कर दी मैंने। दूंगी तुझे मैं, भागने भी नहीं वाली हूं।
तेरे लिए ही तो आई हूं मैं। अरे बरसों से ढूंढ रही हूं मैं तुझे और आज तो मुझे मिल ही गई। वो दूसरी बहन, तीसरी आंख वाली मिल ही गई मुझे। मुझे मेरे काल विजय रत्न का दूसरा हिस्सा मिल गया है। आज तो बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए। अच्छा हुआ ये पागल मूर्ख लड़का बीच में आ गया, देख लिया इसने मुझे। ये मुझे नहीं देखता तो मैं तुझे कैसे देखती। डर मत, मैं कहीं नहीं भागने वाली। इतनी मुश्किल से मिली है तू मुझे, तुझे लगता है मैं तुझे छोड़ दूंगी? ना, अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली। सीडीएफ को कैसे पता चला? ओह गॉड, अब ये साजनी ने क्या कर दिया? भाभी भाभी जस्ट रिलैक्स, काम डाउन। नहीं होता, नहीं करता। अरे तुमने आज कोई स्ट्रॉन्ग वाली ड्रिंक पी ली क्या? एंड हाउ डेयर यू, तुमने प्रीति जी को इंसान नहीं शैतान कहा। मेरी कजन की इतनी इंसल्ट। नहीं चाची, मैं उनकी कोई इंसल्ट नहीं कर रही हूं। मैंने अपनी आंखों से देखा शिखर, मैंने उनकी एक आंख थी, एक आंख की जगह काला काला था और उसमें से लाल लाल रोशनी निकल रही थी। बीच में आ गया चाची, सनी मर चुका है। मैंने अपनी आंखों से देखा प्रीतो ने सनी को मार दिया। मैंने देखा उसने सनी को मार दिया। क्या हुआ, सनी का नाम लेके क्यों चिल्ला रही हो? चाची, 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 बोलो। वो जस्ट शट अप, स्टॉप इट। नहीं चाची, मैंने सनी को देखा। हाँ तो क्या क्या काम क्या है, बोलो ना। वो प्रीतो ने सनी पर हमला किया। क्या? I'm really sorry चाची, चाची वो सनी हम नहीं रहा, प्रीतो ने सनी को मार दिया। क्या? मेरी आंखों के सामने मारा। हाँ, मैंने देखा। अब बकवास कर रही हो तुम, दिमाग खराब है तुम्हारा? हाँ तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? मेरा बेटा सनी अभी कुछ देर पहले वो प्रीतो ने, ऐश ये क्या बोल रही है, क्या बोल रही है ये कि तुम्हारी वो रिश्तेदार है वो प्रीतो ने सनी को? ये झूठ बोल रही है। झूठ? ऐसे कैसे ये इतना बड़ा झूठ बोल सकती है? हाँ तो मैं बता दूं आज, अगर मेरे बेटे के साथ कुछ हुआ ना, अगर मेरे सनी को कुछ हुआ ना तो मैं सनी मुझे मेरे बेटे के पास ले चलो, उसे कुछ नहीं हुआ होगा। वो बिल्कुल ठीक है चाची, मुझे हॉल में मैं दिखाती हूँ आपको। चलो वो चाची, साजनी क्या कर रही है? उसे सनी को मार तो नहीं दिया? सनी चाची मेरा बेटा, कहाँ देखा तुमने सनी को? क्या सच में उसे प्रीतु जी ने उस पर हमला क्यों किया? प्रीतु जी ने उस पर मेरे बच्चे ने क्या बिगाड़ा था उनका? एक्सक्यूज मी, तुम ऐसे मेरी कजिन को ब्लेम नहीं कर सकते। क्या सबूत है उसने सनी को मारा? ये सबूत वगैरह मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया ना, मेरे सनी को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें सनी। आई हाय रक्षित, मैंने पता है तू इन सब में नहीं मानता, पर मैं बोल रही हूँ ना। क्या हुआ? क्या
की हो या की? अरे कोई बताएगा, सब ऐसे क्यों खड़ी हो जैसे कोई मातम है? हुआ क्या? मैं बताती हूँ क्या हुआ है, हटो। पहले तू ये बता कि मेरा बेटा कहाँ है? आपका बेटा? और जाई आपका बेटा कहाँ, मुझे कैसे पता होगा? आपकी तो बहू भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। वो आपकी बेटी और बहू दोनों इकट्ठे होंगे कहीं, बिजी बिजी होंगे, कुछ कर रहे होंगे आप ही ना। ए शैतान कूनी औरत, ये मजाक का वक्त नहीं है। मुझे स्विनी, हुआ क्या है, इतना चिल्ला क्यों रही हो? मैम राक्षसों, आप दोनों इसे दूर रहिए, ये बहुत खतरनाक है। मिसेस शेरगिल, तुम ये क्या कह रही है? अरे नहीं नहीं, ये कोई खतरनाक नहीं है, ये तो शुभ शगुन है, माता रानी का आशीर्वाद है, शगुनों वाला ताबीज है। अरे तभी तो मैं महिमा जी और रक्षित को दे रही थी, क्योंकि देखिए ओशस, ये तो भगवान की ब्लेसिंग दे रही थी, तुम बेकार में इन्हें ब्लेम कर रही थी। एक मिनट महिमा भाभी, पहले आप बताइए ये क्या अभी अभी आपके पास आई थी और ये कितनी देर से आप लोगों के साथ है, बताइए। बहुत समय पहले आई थी हमारे पास, लगभग कितना टाइम? आधा घंटा। क्या? नहीं नहीं, ये झूठ बोल रही है चाची, ये झूठ बोल रही है, मैंने अपनी आंखों से देखा, मेरा विश्वास कीजिए प्लीज। ये सब क्या हो रहा है? Thank God, दीदी, मैं कप्तान सबको विश्वास दिलाने की कोशिश कर रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से प्रीतम मासी को देखा। क्या देखा? यही कि उसने सनी का खून कर दिया। हार दिया उसने सनी को। हाँ दीदी। क्या? सनी का खून? मिसेस शेरगिल, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? क्या बोल रही हो तुम? नहीं, मैं बोल रही हूँ ना आपको, वो खूनी है, खूनी आ रहा था वो। कब, कहाँ, कैसे? वो तो ऊपर थे। नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, प्लीज प्लीज कोई तो मेरी बात का यकीन करो। दीदी ये जैसी दिखती है वैसी है नहीं, यही खूनी है, खूनी। गॉड, ये टाउन लॉक कितनी कम बहुत झूठ बोल रही है। मैं तो कब से यही ऊपर ही थी। क्या वो सनी माहौल में गिरा पड़ा है? आप लोगों को मेरी बात पे यकीन नहीं होता है ना? चलिए चलिए मेरे साथ, मैं दिखाती हूँ। चाची प्लीज, तुम्हारी ये बात झूठ निकली ना तो देख लेना। नहीं चाची, अच्छा नहीं होगा। हाँ हाँ चलो भाई चलो, देखे तो सही ये क्या दिखा रही है, चलो चलो आइए। ये कहाँ है? राजनी नीचे, मैंने देखा, आप देखिए। अब तो आप सबको मेरी बात पे यकीन होगा ना? मैंने अपनी आंखों से देखा, ये इस प्रीतों ने सनी को मारा वहां पर। कहाँ है मेरा बेटा? कहाँ है सनी, बताओ। कहाँ गया? अभी तो यहीं पे था, मैंने उसे ऐसे पकड़ा था, अपनी आंखों से मैंने देखा था। ये जरूर इसने सनी को मार दिया होगा और उसकी बॉडी छुपा दी होगी। मैं बोल रही हूँ ना चाची, प्लीज मेरा विश्वास कीजिए। क्या बोलने जा रही है तुम? अरे मैं क्यों किसी को छुपाऊंगी? हाँ मैं तो कब से आप दोनों के साथ थी ना, मैं तो नीचे आ रही भी नहीं, बताओ ना। झूठ झूठ बोल रही है तुम, ये झूठ बोल रही है, प्लीज मेरा विश्वास कीजिए, ये झूठ बोल रही है। मैंने अपनी आंखों से देखा था, इसने सनी को मारा था। मिसेस शेरगिल, तुमने क्या देखा था? सनी की बॉडी देखी? और वो हमें क्यों नहीं दिखाई दे रही? अपनी पैडलक वाली बातों से ना सबका मूड बैड मत करो। और क्या कह रही है ये? प्रीतो जी थी ना महिमा भाभी और रक्षित के साथ कमरे में, अपने हस्बैंड और महिमा भाभी का रॉन्ग प्रूव करना चाह रही हो तुम? और क्या कह रही हो तुम कि हम तुम पे ट्रस्ट करें और ये दोनों लायर्स हैं? ठीक है, मत भरोसा कीजिए मुझ पर, मत विश्वास कीजिए मेरी बातों का, लेकिन इतनी आवाजें दी थी सनी को, कहाँ है सनी? वो क्यों नहीं आया है? वो अपने कमरे में नहीं, मैं भी उसका रूम क्रॉस कर रही थी और लावण्या को सोते हुए देखा, सनी कमरे में नहीं था। देखा मैंने कहा था ना, सनी अपने कमरे में नहीं है, क्योंकि इसने उसे मार लिया और मार के उसकी बॉडी छुपा दी, मैंने कहा था ना। कहाँ है मेरा बेटा, कहाँ छुपा है, किडनैप किया उसे? हाँ किडनैप करके कहाँ छुपा दिया है, बताओ मुझे, बताओ। चाची जी, सनी चाची जी प्लीज प्लीज, सनी को कुछ नहीं हुआ है, सनी मिल जाएगा, अब प्लीज रिलैक्स। जाओ जाकर बुलाओ सनी को, कोई जाओ ना। हम कहाँ से बुलाए सनी को, इसने अभी भी कहा था कि वो गायब है, वो नहीं आ सकता। मैं कब से यही कहने की कोशिश कर रही हूँ, आप लोग मेरी बातों पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे? सनी नहीं मिल रहा है क्योंकि पुलिस तो नहीं सनी को मारा है।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।